नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 25 अगस्त। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो मार्केट एक नए यूफोरिया में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी कमोडिटी में हम एक जबरदस्त तेजी का माहौल देख रहे हैं। ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी पैंडामिक ऐसा हिट होता है, पिछले 100 सालों में हमेशा फूड इन्फ्लेशन बढ़ते हैं और एग्री कमोडिटी के भाव में तेजी होती है। ऐसी कुछ तेजी हमने पूरे एग्री पैक के अंदर पिछले 1 महीने में बनते हुए देखे। कल सोयाबीन की अगर हम बात करें तो तेजी जरूर थी, बट हायर साइड पे थोड़ा कैप है, क्योंकि जो इंपोर्ट्स की न्यूज आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग है, जिसके चलते अपसाइड भी कैप है तो डाउनसाइड भी लिमिटेड है, क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है। आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए जहाँ पे हमने देखा सोयाबीन में फिर से आज गिरावट है, तो आज सोयाबीन सितंबर वायदे में गिरावट रह सकती है। जो ओवरऑल रेंज 8,200 से 8,800 का रेंज है, तो 8,800 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 8,200 तक का लेवल हम प्राइजेस में देख पाएंगे, बट वॉलिटी बनी हुई रहेगी। सोया रिफाइन भी अगर हम देखें तो 1390 से 1420 के दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जब तक 1420 के ऊपर क्लोज नहीं देता है मार्केट में बिकवाली कीजिए, 1380 के नीचे नहीं जाता जब तक बाइंग करिए, तो ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। मस्टर्ड 8,000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो आने वाले दिनों में 8,500 का भी लेवल तोड़ देगा, बट आज सोयाबीन की गिरावट के चलते मस्टर्ड में थोड़ा पुलबैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। कैस्टर में फ्रेश ब्रेकआउट है, कल हमने 6% की तेजी देखी है। टेक्निकली 6200 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो इमीडिएट 6600 और ओवरऑल 7000 से 7200 तक का लेवल हम कैस्टर में बनते हुए देखेंगे। प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आती रहेगी, बट हाथ में माल रहना चाहिए 7000 के टारगेट के लिए। हल्दी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंट जो रहेगा वो 8550 का रहेगा। पहले भी हमने देखा 8550 8600 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। जी ढंग से पूरे एग्री पैक में डिमांड वापस लौटते हुए दिखाई दे रही है, हल्दी 8600 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। ये लेवल तोड़ता है तो जरूर हम 9,000 साढ़े 9,000 का भी लेवल देख पाएंगे, इस पर बने रहिए। जीरे की भी बात करें तो वॉलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, टेक्निकली 15,600 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो 16,000 का। बट देखिए, आपको अगर 3-4 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो ऊपर में हमें लगता है 18,500 से 19,000 का भी लेवल जल्द क्रॉस कर पाएगा, बट वो थोड़े से लॉन्ग व्यू है। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक करेक्शन ड्यू है, क्योंकि मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते पुलबैक मिल जाएगा। बिकवाली नहीं करनी है, लोअर लेवल पे बाइंग करके ही चलना है मसालों में। धनिया की बात करें तो धनिया भी 8,100 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, जो 8,500-8,600 का लेवल है। लॉन्ग टर्म टारगेट हमें लगता है कि 12,000-13,000 के भी लेवल जल्द दिखा देगा, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस 8,500-8,600 तक का लेवल दिखा सकता है। कुकुड़ के अंदर कल की गिरावट के बाद आज मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, 3,020 के ऊपर बाइंग करके चलिए, अदरवाइज 2,900 से 3,000 के बीच में रहेगा। कपास में भी तेजी रहेगी, गवार सीड गवार गम हाजिर मार्केट में अभी भी टाइटनेस बनी हुई है, जिसके चलते आज भी सर्किट लगने की गुंजाइश रहेगी। प्राइजेस डायरेक्टली 6,600-6,600 गवार सीड और 12,000 का लेवल गवार गम, ये लेवल के लिए मार्केट प्ले करता हुआ दिखाई देगा। मेंथा रेंज बाउंड रहेगा, सीपीओ के अंदर प्राइजेस 1180 से लेकर 1200 के बीच में ट्रेड करेंगे। कॉटन में गिरावट आती है तो लेके चलिए, 26,550 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। टेक्निकली रिफाइंड सोया ऑयल रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ रहेगा। सोयाबीन में आज एक गिरावट दिखाई दे रही है, जो करीबन 8,100-8,200 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम फर्दर हल्दी की बात करें तो ब्रेकआउट आने का उम्मीद है 8,500 के ऊपर, जो 8,900 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर की भी बात करें तो 6,600 का इमीडिएट टारगेट है, बट ओवरऑल 7,000 का लेवल हम देख सकते हैं। तो पूरे एग्री पैक के अंदर तेजी का रुख बना हुआ रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी बना के चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।